अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने। इसमें क्या दिया, इफ एक्स बराबर रूट फाइव माइनस थ्री रूट थ्री अपॉन रूट फाइव प्लस रूट थ्री और बाय इसी का रेसिप्रोकल है, मतलब एक्स इक्वल टू क्या है, वन अपॉन बाय, ठीक है। और अपन से इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, तो देखिए ऊपर दिख रहा है मुझे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बाय स्क्वायर प्लस एक्स वाई, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है, के स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। और एक्स वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस थ्री, नीचे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू, ये प्लस वन और ये माइनस वन, ठीक है। तो ऊपर हो जाएगा के स्क्वायर माइनस वन और नीचे हो जाएगा के स्क्वायर माइनस थ्री। तो अपन को ऑप्शन ऐसा चेक करना है, क्या ऑप्शन से अगर अपन चेक करना चाहें कि एक जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए और नीचे तीन जोड़ने पर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो ये पहला ही ऑप्शन दिख रहा है मेरे, ये 64 हो जाएगा और ये भी 64 हो जाएगा, पहला ऑप्शन आंसर हो सकता है। ये हो जाएगा कितना, 68 68 परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ये 66 66 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, 70 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, तो आंसर अपना पहला हो सकता है, ठीक है। अब अगर चेक करना अपन सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, उसके लिए चाहिए पहले अपन को वन अपॉन एक्स, ठीक है। वन अपॉन एक्स की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, यहाँ से अगर जोड़ें अपन तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स के, डायरेक्ट एक्स प्लस वन अपॉन एक्स निकालते हैं अपन, अपन को पता है क्या होता है एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, इस टाइप की चीज़ में एक्स प्लस वन अपॉन एक्स डायरेक्टली होता है क्या, टू इंटू इन दोनों का सम, पाँच प्लस तीन आठ अपॉन पाँच माइनस तीन कितना होगा दो, तो ये दो से दो कट जाएगा, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आठ आ गई, ठीक है। ऊपर वाला के स्क्वायर माइनस वन, मतलब आठ हटेंगे 64 माइनस वन, और नीचे वाला 64 माइनस थ्री, तो ये हो जाएगा अपना कितना 63 अपॉन 61, ऐसे भी यही आंसर आ रहा है, ठीक है।